नमस्कार दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत में आप फ्री में मोबाइल कैसे पा सकते हैं, सरकार की एक कैसी गतिविधियाँ हैं फ्री मोबाइल देने के लिए, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि एक अखबार की कटिंग है, इस अखबार की कटिंग में किस प्रकार से क्या लिखा गया है उसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उसके लिए हम क्या शर्तें होंगे, किस प्रकार से सरकार अब मोबाइल आपको देगी उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से देखिएगा क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश फ्री स्मार्टफोन योजना 2023 का उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन प्रदान करना है, जिसके द्वारा वह अपनी शिक्षा में हो रहे रुकावटों को दूर कर सकें। इस योजना के तहत विद्यार्थी को नौकरी मिलने में सहायता प्रदान होगी, ऐसे अदरवाइज बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी हैं। और इसके कुछ लिंक दिए हैं, कन्या सुमंगला योजना के तहत कुछ स्कीम आई हैं, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी के भर्ती संबंधी स्कीम आई है, स्कॉलरशिप के संबंधी, उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन योजना, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से होंगी। तकनीकी छात्रों को मिलेगा टैबलेट और सामान्य स्नातक को मिलेगा स्मार्टफोन। योजना का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश की स्मार्टफोन योजना। योजना की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के लिए। लाभार्थी संख्या लगभग 1 करोड़ है। वर्ष 2023, स्थान उत्तर प्रदेश, आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन, ऑफिशियल वेबसाइट है upgov.in। किस प्रकार से कहां से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, यहां से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। और पात्र कौन है, उत्तर प्रदेश के पात्र कौन कौन पाए इसमें जाने। छात्र उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल या डिप्लोमा में अध्ययनरत होना चाहिए। आवेदक की आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के लिए आवेदन केवल सरकारी स्कूल छात्र ही कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए उसके बारे में बताते हैं। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मार्कशीट, आय, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए भी आपको लिंक दिए गए हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यह पंजीकरण खुल जाएगा। और इसमें देखते हैं क्या क्या और कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यूपी फ्री स्मार्ट फोन योजना 2023 कब शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में फ्री स्मार्टफोन टेबल योजना के माध्यम से स्मार्टफोन टेबलेट वितरण दिसंबर माह में शुरू की गई थी। योगी फ्री स्मार्टफोन योजना के लिए आवेदन करें, कहाँ से आवेदन करें इसके बारे में दी गई आधिकारिक वेबसाइट से। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत कितने रुपए का स्मार्टफोन देगी, तो उत्तर है इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये से 12,000 रुपये के रेंज की स्मार्टफोन देगी। उत्तर प्रदेश फ्री स्मार्टफोन योजना हेल्पलाइन नंबर क्या है, अभी इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे फर्जी वेबसाइटों के सावधान रहें। जो भी है आधिकारिक सूचना आएगी आपके स्कूल के जरिए आपको बता दी जाएगी, तो ऐसे फर्जी अफवाहों से आप लोग सतर्क रहें। धन्यवाद। और हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।